नमस्कार आपकी अदालत में आपका स्वागत है आपकी अदालत में आज का मुकदमा एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर है जिसने 33 सालों में 50 फिल्में बनाई कई हिट फिल्में बनाई लेकिन हर फिल्म ने कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट की लेकिन आज आपकी अदालत में इन पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि एक गैंगस्टर ने इन पर दाऊद इब्राहिम के एजेंट होने का इल्जाम लगाया है पेश है आज का मुकदमा प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश आपकी अदालत में हाजिर आपकी अदालत में जनता भी है मुलजिमी आज का मुकदमा शुरू करें। इससे पहले आज की जज जावेद नकवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुकदमा शुरू किया जाए और इससे पहले के इल्जाम और सवालात का सिलसिला शुरू हो एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा महेश भट्ट पर चला जाएगा। प्रोड्यूसर महेश भट्ट के लिए कंट्रोवर्सी कोई नई चीज नहीं है 1974 में अपनी पहली फिल्म मंजिलें और भी हैं से लेकर गैंगस्टर तक 50 से ज्यादा फिल्में बनाने वाले महेश भट्ट हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अर्थ, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, मर्डर और जहर जैसी फिल्मों से जुड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार अंडरवर्ल्ड ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है महेश भट्ट के ऑफिस में गोली चलाकर एक गैंगस्टर ने अपने इरादों का संकेत भी दे दिया अंडरवर्ल्ड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे रवि पुजारी ने इंडिया टीवी से कहा कि उसके पास पुख्ता जानकारी है कि महेश भट्ट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं ये ये इंसान दाऊद इब्राहिम और छोटा शिकल से कांटेक्ट में है उनका व्यवहार उनका जो बिजनेस के बारे में ये अच्छे से उनसे इन्वॉल्व है और प्लस ये ओर जाके जो फिल्म का राइट वगैरह होता है उन लोगों को आसान करता है और काफी काफी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो वो इन्वॉल्व है दाऊद और सिक्की के साथ फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट को उन गिने चुने लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई है तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर आपकी अदालत में प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर एक गैंगस्टर ने आरोप लगाया है कि इनके दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं गैंगस्टर रवि पुजारी का इल्जाम और उन्होंने यह नहीं कहा रिश्ते हैं उन्होंने कहा कि महेश भट्ट दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के लिए काम करते हैं देखिए दिन दहाड़े आप एक शरीफ आदमी के घर पर आकर गोली चलाएंगे उसके बाद में आप नेशनल हुक् पर जाकर उस व्यक्ति को जरील करेंगे ये कहेंगे कि वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने निडर होकर माइनॉरिटीज़ के इश्यूज को इस मुल्क के सामने पेश किया है और इसकी वजह से ये शख्स मुझे ये कहेगा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है तो मैं ये ज़रूरी भी नहीं समझता कि मैं इस व्यक्ति को जो प्रदेश में बसा हुआ है जो मुझ पर पहले बिना पूछे गोली चलाता है और फिर वो ये आरोप लगाता है कि मैं अपनी सफाई पेश करूं क्योंकि ये जनता सामने बैठी है मैं इनसे कहता हूं मेरी आंखों में झांक के देखो और पूछो आपके दिल से क्या जवाब क्या आता है क्योंकि मुझे इनके दिलों पर विश्वास है मुझे इनकी आंखों पर यकीन है कि इनकी आंखों में वो शक्ति है कि मेरे रोम रोम में झांक के देखे कि क्या ये व्यक्ति आपको एंटी नेशनल लगता है क्या ये व्यक्ति आपको अंडर वर्ल्ड का शख्स लगता है मैं हिम्मत करके इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे मेरी जिंदगी एक खुली किताब रही है मैंने अब तक कुछ नहीं छुपाया है और यह आपका फर्ज है यह सौ करोड़ हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि आप एक लॉ अबाइडिंग करेजियस हिंदुस्तानी की रक्षा करें लेकिन भट्ट साहब सच्चाई ये है कि जब आपकी आमने सामने बात हुई उस व्यक्ति से वो आपकी आंखों में आंखें डालकर तो नहीं देख सकता था लेकिन उसने कहा कि मेरे पास में इस बात की पुख्ता जानकारी है कि महेश भट्ट के दाऊद इब्राहिम से रिलेशंस हैं महेश भट्ट दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं रजत जी अगर उसके पास है तो मैं उस उनके हाथ जोड़ता हूँ अगर रवि पुजारी साहब अगर ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि वो सबूत आप हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को दीजिए हिंदुस्तान के लोगों के सामने लाइए और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बात क्या है ये जवाब पुलिस को देना चाहिए पुलिस जो है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है आपकी सीबीआई है आपकी रॉ है आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं क्या उनको पता नहीं या तो मेरा दिल जानता है कि मेरे कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ या पुलिस जानती है लेकिन भट्ट साहब पुलिस तो आपकी डिफेंस में नहीं आपके दफ्तर पर गोली चली एक इंसान आकर गोली चला कर वहाँ से ग़ायब हो गया धमकी दे कर चला गया और यही ताकत है गैंगस्टर की कि वह आपके दिल में ये खौफ पैदा कर दें कि मैं कभी भी कहीं भी आप पर गोली चला सकता हूँ देखिए खौफ तो पैदा करने से वो फेल हो गया हाँ गोली मार दे मार के मुझे ख़त्म कर सकता है मगर अगर उसने उसका इरादा ये था कि वो मुझे भयभीत करके एक डरे हुए कुत्ते की तरह किसी कोने में छुपने पर मजबूर कर देगा तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं डरा नहीं आप मुझसे मेरी जान ले सकते हैं अगर मजलूमों के लिए बोलना उसका नतीजा यही होता है कि आप मुझे जान लेने की धमकी देंगे तो कल क्यों आज गोली मारी है मुझे लेकिन भट्ट साहब पुलिस ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हमारे पास जानकारी है महेश भट्ट का कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं है महेश भट्ट का दामन पाक है साफ है रजत जी मुझे पुलिस से भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे इस मुल्क के किसी भी बड़े लीडर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मैं यहाँ पर लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि देखिए ये ये जो गैंगस्टर है मुझसे मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैं अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ खुदा के वास्ते मुझे सर्टिफिकेट दीजिए मेरा दिल मेरा रोम रोम इस वक्त कह रहा है कि मैं हूं क्या अगर यह आपको देखकर भी नजर नहीं आ रहा है तो यह आपका दुर्भाग्य है मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने आप ही के शो पे मतलब कहा था तो फिर मैं अंधों के शहर में आईने बेचने निकल आऊँ यह मेरी बदकिस्मती है बट साहब अगर स्पेसिफिक इल्जाम की बात करें काफ़ी देर रवि पुजारी से हमने बात की थी ग्रिल किया था वो गैंगस्टर हमें मालूम नहीं है वो कहाँ छुपा हुआ है कहाँ से बात कर रहा था लेकिन उसने कहा कि आप माजिन मेनन के साथी हैं वो डिफेंड करते हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों को अदालतों में जाकर क्या आप ये सवाल श्री राम जेठवलानी से पूछते हैं कि जब वो उनको डिफेंड करते हैं जिनको देशद्रोही कहा जाता है जिन पे आरोप लगते हैं कि क्रिमिनल्स हैं नहीं ये सवाल आप इनसे क्यों पूछते क्योंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करते हैं और दूसरी बात है कि केवल एलिगेशन के आधार पर आप उन लोगों को क्रिमिनल नहीं मान सकते जिन पर आपने आरोप लगाए हैं हमारे मुल्क में एक हमने सिविलाइज्ड होने का दावा किया है जब तक कोर्ट की पूरे प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस व्यक्ति को क्रिमिनल कहें देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद आज सद्दाम हुसैन पे ट्रायल चल रहा है जब तक उस ट्रायल के प्रोसेस समाप्त नहीं होंगे आप उससे मुजरिम कह के पुकार नहीं सकते यही सिविलाइज सोसाइटी और एक क्रिमिनल सोसाइटी का अंतर है उनकी ऑब्जेक्शन तो यह है कि जब माजिद मेहमान पर गोली चलाई तो उनके घर पहुंचने वालों में सबसे पहले आप थे तो क्या करूं मैं अपने भाई पे आप जब हमला होगा तो मैं नहीं जाऊंगा वो संस्कारों को उखाड़ के कैसे फेंकूँ कि जब अपने को तक अपनों को तकलीफ में देखो तो जाकर उनके आंसू पहुँचो क्या मैं अगर जा उनके बच्चों का हाथ पकड़ता हूं कहता हूं तो तुम अकेले नहीं हो जब मैं जाके अपनी भाभी से कहता हूं कि मेरा साया आपके सर पे अभी भी है तो क्या मैंने कोई क्रिमिनल एक्शन कर दिया हमारे मुल्क की जागीरी यही है कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं बुरे वक्त में मैंने वही किया ये इस मुल्क की तहजीब है मैंने उस तहजीब तहजीब को निभाया है तो आप उसके लिए क्या मुझे क्रिमिनल कहेंगे उनका कहना है कि जो शख्स गैंगस्टर्स को बचाता है जो अंडरवर्ल्ड के लिए उनको बचाने का काम करता है वो तो देशभक्त नहीं हो सकता रजत जी जिस आदमी के पास छुपाने के लिए कुछ भी होता है ना वो इस तरह छाती ठोक के बोलता नहीं है जिसके पास छुपाने के होता है वो अपने घर से निकलते नहीं है लोग जैसे मेरे बिरादरी के लोग जिनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है अंडरवर्ल्ड के नाम से बहुत से हम जाते हैं अंडरवर्ल्ड की बात हुई तो हमेशा मैंने निकल कर आवाज़ उठाई है अगर मैंने किसी का साथ दिया तो खुलेआम आम साथ दिया है मेरे पास छुपाने के लिए नहीं मेरी हिम्मत मेरी ये शिद्दत मेरी ये बेबाक जबान इसलिए है क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है मैं नंग धड़ंग बाज़ार में खड़ा हूं मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है जब जिसको आके झांकना है झांक जाइए आपकी आवाज में सुभाष चंद्र बोस का ओझ है परशुराम की ताकत है लेकिन हमारे यहाँ वातावरण यह है कि रंग का उठा करता है कर्ण का है, हम सब आपके साथ देखिए आपका यह कहना ही मेरी कमाई है मैं यही उम्मीद करता था मेरी जनता से कि मेरे किरदार का प्रूफ आपके दिल से जब तक मुझे नहीं मिलता मेरे होने का मतलब ही नहीं है मैं किसी टटपुंजे गैंगस्टर या पुलिस अधिकारियों या पॉलिटिशियन से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगता जनता के दिलों के अंदर वो समझ है आपकी आंखों में वो क्षमता है कि आप मेरे में मेरे पे एक नज़र डाल के देख लें तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है क्या ये मिलावा है कि नहीं मिलावा आपने जवाब दे दिया मेरी जीत हो गई थैंक यू बट साहब आप अपनी जीत माने से पहले मैं दो-तीन सवाल आपसे आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहता हूँ <laughs> क्या आप कभी जिंदगी में दाऊद इब्राहिम छोटा शकील या इनके किसी गैंग के मेंबर से मिले हैं कभी नहीं क्या आपने कभी फोन पर बात की है दाऊद इब्राहिम से अनीस इब्राहिम से छोटा शकील से नहीं अंडरवर्ल्ड की दुनिया के किसी आदमी से आपका कभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा अबू सलीम ने मुझे फ़ोन किया था उसने कहा था भाई हम जब डराते धमकाते हैं फिल्म वालों को और वो पैसा देने के लिए राजी हो जाते हो तो तुम काहे को उनको पुलिस वाले के पास भेजते हो तो हमने कहा था भाई सुनो हमारे वालदा ने कहा था कि पड़ोसी के घर में अगर डकायट आए तो फौरन थानेदार को फ़ोन करो हम वही कह रहे हैं कर रहे हैं जो हमारे संस्कारों में हैं तो वो हंस दिया उसने मुझे फ़ोन किया था डराने के लिए धमकाने के लिए नहीं उसने कहा था देखिए आप हमको कहिए हम छोड़ देंगे पुलिस को मत के बाद मत भेजिए क्योंकि फिर हमारा कंपटीशन शुरू होता है उस व्यक्ति को हम मार डालेंगे जिसको आप बचाना चाहते हैं और उसका ज़िक्र मैंने फ़ौरन पुलिस के साथ में किया था उसने मुझे डराया नहीं धमकाया नहीं सिर्फ ये कहा कि पुलिस के पास अपनी बिरा को मत भेजिए आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर महेश भट्ट आपकी अदालत में अगला इल्जाम महेश पर आपकी अदालत में प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट एक गैंगस्टर ने इल्जाम लगाया है कि ये अंडरवर्ल्ड के दोस्तों का साथ देते हैं बट साहब एक तो नाम लिया माजिद मेनन का आपने बताया कि वो सिर्फ केसेस लड़ते हैं वकील हैं उनका पेशा है लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब किसी का नाम अंडर वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया और आप उसको डिफेंड करने सबसे पहले पहुंचे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं भरत शाह का जिनके बारे में 20 टेप पुलिस को मिले थे अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात करने के लिए लेकिन जब भरत शाह पुलिस स्टेशन गए जब भरत शाह अदालत गए तो एक ही शख्स उसके साथ था फिल्म इंडस्ट्री का उमेश भट्ट भरत शाह से मैंने पूछा भरत भाई यह आरोप जो आप पे लगा है क्या ये सच है उसने मेरा हाथ थामा मेरी आँखों में झांका उन्हें कहा कि महेश भाई मैं सच्चा आदमी एक आदमी ईमानदारी से जब दूसरे आदमी की आँखों में झांक के एक सत्य कहता है वो कुछ होता है जो उस आदमी तक पहुँच जाता है एक खुशबू होती है एक तड़प होती है उसकी आवाज़ में वो मेरे तक पहुंची। मैंने अकेले खड़े रहकर जब मेरे पूरी बिरादरी अलग हो गई थी उस भरत शाह को जिसने खड़े होकर लोगों को बनाया है यश चोपड़ा अगर यश चोपड़ा है तो भरत शाह के सपोर्ट से ऐसे हजारों लोग हैं जिनको उसने बुरे वक्त में सपोर्ट किया था उस व्यक्ति पर आरोप यही था कि उसने किसी अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति से 1.2 कुछ मिनट्स uh, बात की थी अब कोर्ट कचहरी के प्रोसेस से शुरू होने से पहले ही आपने उस व्यक्ति को पूरे मीडिया के सामने जलील करना शुरू किया और पूरी बिरादरी ने ऐसा दामन बचाया उस व्यक्ति से कि उनका दामन बचाना और फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी एक सबूत बन गई कि हाँ देखिए ये क्यों भाग रहे हैं ये चुप क्यों हैं तो उनकी खामोशी ने उस पर ये कलंक लगने दिया काश वो लोग जिनको उसने हाथ चलकर चलाया पकड़ कर चलाया होता उसके प्रोटेक्शन के लिए आते उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए आते और मेरा उस वक्त उनके साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं था आज भी नहीं है क्योंकि जब मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, तो वो मेरा रोटी का जरिया नहीं होता मैं रोटी नाच गाना करके कमा लेता हूं, भाण विरासी की रोटी जो है उसमें ज़्यादा ज़्यादा पाकिजगी है क्योंकि वो मनोरंजन करके पैसा कमाता हमने यही किया लेकिन बट्ट साहब ये सच्चाई नहीं है कि छोटा शकील जैसे लोगों ने दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड ने इंटरव्यू दे के मीडिया से ये कहा कि हाँ हमारे भरत शाह से रिलेशन है हमने उनको फाइनेंस किया है चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के बारे में तो ये साबित हो गया कि अंडरवर्ल्ड ने पैसा लगाया राज जी मैंने नाइन्टी से भरत शाह के बहुत पहले अरेस्ट होने से मैंने किस प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी आप पूछिए जाके आए के गुजराल साहब से आप जाके पूछिए मिस्टर देवी गौड़ा से आप जाके पूछिए अटल बिहारी वाजपेयी से आप जाके इनसे पूछिए इनके अधिकारियों से पूछिए क्या मैंने आकर ये शोर मचाना शुरू नहीं किया था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का एक टेरर जो है एक आतंक फैल रहा है खुदा के वास्ते खुद कीजिए भगवान के वास्ते कुछ कीजिए और उनने सुन के अनसुना कर दिया कहा कि ये स्ट्रीट सब्जेक्ट है मैं अगर इनसे कनेक्टेड होता तो क्या मैं शाहरुख खान और सलमान खान के के सामने हाथ जोड़ता कि आओ भैया आके प्राइम मिनिस्टर से मिलो अगर इतना टेरर है तो वही एक शख्स है कि आपको पुलिस पुलिस की 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 मशीनरी पर, आ, की की मशीनरी पर पर लोग अपना स्टेट शक हो सकता है आपको आपके स्टेट के बड़ों पर शक हो सकता है मगर सेंटर में एक न्यूट्रल व्यक्ति बैठा है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है चलो उसके बाद चलते हैं मैं ऐसा क्यों करता इसलिए करता ना क्योंकि मैं अपने आप को कभी मैंने इन डार्क uh, फोर्सेस से इंटरमिनल फोर्सेस से कनेक्टिव नहीं रखा बट साहब हो सकता है कि आपका कोई कनेक्शन ना हो लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं नदीम का एक एग्जाम्पल है नदीम जो मर्डर केस में जिनके ऊपर इल्ज़ाम है जो भाग गए लंडन आपके बहुत दोस्त थे संजय दत्त फिल्म स्टार है, टाडा में उनके ऊपर केसेस चल रहा है आपके बहुत करीबी रहे मैंने कभी नहीं कहा कि संजय दत्त को आप ट्राई मत कीजिए मैं कौन होता हूँ मेरी जैसे मेरी बात सुनने वाली मेरा उससे रिश्ता है मेरा उससे बहुत प्यार है मगर अगर कल कोर्ट ने उस पूरे प्रोसेस के बाद बावजूद कि खुदा ना खास्ता कहीं उनको गल्टी करार दिया तो मैं क्या करूँगा बैठ कर रोगा ही मगर इससे पहले कि कोर्ट अपनी पूरी सुनवाई कंप्लीट कर दे आपको कोई अधिकार नहीं है कि एलिगेशन के आधार पर आप किसी को क्रिमिनल मान लें मैंने यही कहा मैं एक सिविलाइज समाज के जो रूल्स हैं उसके अनुसार ही तो खेल रहा हूँ मैं पुलिस के वर्जन को गॉस्पल थ्रूथ तो नहीं मान रहा हूं मैं मीडिया के वर्जन को गॉस्पल थ्रूथ तो नहीं मान रहा हूं इस मुल्क में एक, एक, एक सिस्टम है कि जब तक एपेक्स कोर्ट में पूरी सुनवाई नहीं हो जाए तब तक आप उस व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं कहला सकते बट साहब बहुत सारी चीजें अदालत में साबित नहीं हो सकती लेकिन एक इम्प्रेशन होता है एक परसेप्शन होता है कुछ लोगों के बारे में परसेप्शन बनाए जाते हैं परसेप्शन जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाया है कि हर मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है आपने एक इस्लामो फाबिया का जो एक, एक माहौल क्रिएट किया है वो भी परसेप्शन है जिसकी वजह से दिन दहाड़े एक शरीफ मुसलमान को आप रोक के टेररिस्ट बोल के गोली मार देते हैं परसेप्शन को ही तो ठीक करना है परसेप्शन आप और हम ही चेंज करेंगे लेकिन आपके परसेप्शन तो गलत हो सकते हैं मेरे परसेप्शन बिल्कुल हो सकते हैं इसलिए तो मैं कोर्ट के सामने जाता आया मैं, मैं आपको पुरानी बात याद दिलाता हूँ ये पुराना इकतीस अगस्त नाइन नाइन सेवन का ये अखबार है मुंबई का ये काफी पीला पड़ चुका अखबार और आपका एक आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है जिसमें आपने बहुत तारीफ की है गुलशन कुमार की जी आपने कहा कि गुलशन कुमार सेल्फेड आदमी थे उनका अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं था लेकिन सच्चाई ये है कि गुलशन कुमार की हत्या अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की वजह से ही हुई जी गुलशन कुमार की कोई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन नहीं थी देखिए बड़ी दुर्घटना जो घटी जब बम्बई में तो ट्रेजिडी हम फिल्म वालों पर ये हुई कि जो मारा गया वो हमारा भाई था और जिस पर आरोप लगा वो भी हमारा भाई था एक था गुलशन कुमार जो हमारा अपना था उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन कभी नहीं लगे थे उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो बहुत ही एक स्टेट लेवल पे जो एक सिस्टम्स के जो आरोप होते हैं कि सब सेल्स टैक्स वगैरह के या पायरेसी के मगर किसी ने गुलशन जी को अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड कभी नहीं कहा उनका दुश्मन भी नहीं कह सकता कि गुलशन जी जो हैं कभी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे वो क्यों मारे गए वो सब जानते हैं कि अबू सलीम का आ, कि उनकी दुश्मनी इसलिए हो गई थी कि उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिए थे इसलिए वो मारे गए और फिर उसको मिसाल बनाकर आपने पूरे बंबई के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री को डराया कि अगर हम गुलशन कुमार को दिन दहाड़े मार सकते हैं तो आप है कौन हमारे मारने की क्षमता आपके पुलिस की बचाने की क्षमता से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बेहतर है भट्ट साहब आज भी वही केस है आपके ऊपर गोली चलाकर फिल्म इंडस्ट्री को डराने की कोशिश है और फिल्म इंडस्ट्री को मैसेज दिया गया है कि अगर आप नहीं डरोगे तो आप पर भी गोली चल सकती है अगर आप अरे डरे हुए आदमी को क्या डराना वो तो डरे हुए पहले से हैं अब क्या डराओगे आदमी बरसात से नहीं डरता वो बहुत भीग गए हैं अब नहीं डरते हमारे पास एक के बाद एक सबूत है इस बात के चाहे वो गोविंदा हो चाहे वो सलमान खान हो ये देखिए आपके ही शो में जब आपने गोविंदा का एविडेंस प्रोवाइड किया तो मैंने अपनी गलती का को मान ली कोई मुझे कहे कि मेरा भाई जो है उसका उठना बैठना किसी गैंगस्टर के साथ में मैं नहीं मानूंगा मेरे परसेप्शन के आधार पर मगर जब आप मेरे परसेप्शन को मेरे सामने लॉजिकली बदलते हैं तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि देख के नहीं देखूँगा मैंने आपके शो पर आपके सामने जब आपने गोविंदा के साम की मिसालें मुझे पेश की तो मैंने कहा कि उसकी मौजूदगी उस पार्टी में मुझे समझ में नहीं आती बहुतों को बुलाया गया था वो नहीं गए तो प्रधानमंत्रियों से मुख्यमंत्रियों प्रधान से, मुख्य से बार बार मुंबई का नेक्सस है उसके लिए कुछ करना चाहिए तो क्या आप खामोश होकर बैठ जाएंगे मैंने है? आकर एल के अडवाणी साहब से मिलकर कहा था जब भरत शाह अरेस्ट हुए थे अडवाणी साहब भरत शाह के खिलाफ आप वो सारी कार्रवाई कराइए हम चाहते हैं कि एक वाइट पेपर इशू हो ताकि हमको भी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात का अंदाज़ा हो कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं किसके साथ खाना खा रहे हैं हमारे पास हाफ इन्फॉमेशन होती है पूरी इन्फॉमेसन तो आपके पास है उन्होंने ईमानदारी से मेरी आंखों में आंखें जाग कर कहा था पीछे वल्लभ भाई पटेल साहब की तस्वीर थी उन्होंने कहा था मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं जब आपके स्टेट के बड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए हैं जिनके हाथ में पूरे प्रशासन का जिम्मा है वो खुद उनसे कनेक्टेड है तो मैंने कहा तो फिर हट जाता हूँ मैं अपने बच्चों को जहर दे देता हूँ ख़ुद अपनी रिश्व काट के बैठ जाता हूँ अब इसके बड़ा इससे आगे तो कोई ऑफिस है नहीं उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि देखो कुछ कड़वी सच्चाई होती है जिससे आपको आंखें मिलानी चाहिए अगर ये केस सेंटर के पास आ जाता है परोक्षा अच्छा का केस तो हम सीबीआई को एक्टिवेट करके इसकी छानबीन कर सकते हैं मैंने हर स्टेज पर हर फेस पर जाके हर प्राइम मिनिस्टर से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का था उससे जाकर कहा है कि आतंक बढ़ रहा है अंडरवर्ल्ड हमारे समाज में प्रवेश कर चुका है उसके टेंटिकल्स इतने गहरे हो गए हैं कि कल को आपको समझ में नहीं आएगा कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है और यही हुआ आज की तारीख में यह हालत है कि पुलिस में कौन अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है ये समझ में नहीं आता कभी एक बयान देता है कि ये फलाना पुलिस ऑफिसर के अंडर से कनेक्शन है कभी दूसरा देता है तो बात आप फिल्म इंडस्ट्री की कहते हैं जो हुकूमत जिससे लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करेगी जिस, जिस इंजेक्शन से आप मेरा इलाज करेंगे वो ही कंटेमिनेटेड है उसी में जहर है तो इलाज कैसे होगा पहले उस इंजेक्शन का इलाज करवाइए जिसका उपयोग करके आप समाज को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं आपकी अदालत में आज इल्जाम और सवाल के घेरे में है जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर महेश भट्ट आपकी अदालत में अगला इल्जाम महेश भट्ट आपकी अदालत में प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर इल्जाम है कि ये खबरों में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं भट्ट आपको एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूं आप पर हमला हुआ एक हमलावर आपके ऑफिस में आकर गोली चला गया गैंगस्टर ने साफ साफ कहा कि वो आपकी जान का दुश्मन है लेकिन आपने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया बिल्कुल मैंने इनकार किया और मैंने इसलिए इनकार किया क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर सेक्युलरिज्म की लड़ाई मेरी लड़ाई है तो मेरी जान को बचाने के लिए एक पाँच हज़ार रुपये कमाने वाला नौजवान जोखिम में डालकर मेरी जान क्यों बचाए मुझे नहीं लगता कि मेरी जान इतनी सीकरेड है इतनी इंपॉर्टेंट है कोई उसको बचाने के लिए अपनी जान दे लेकिन दे। भट्ट साहब अगर खुदा खास्ता कुछ हो गया कोई गोली चल गई आपको चोट लग गई तो सारा इल्ज़ाम पुलिस पर आएगा कि पुलिस ने आपको सिक्योरिटी नहीं दी सारा इसलिए शायद मैंने उनकी बात काटी नहीं उन्होंने फाइनली ये कहा कि देखिए आप नहीं मांग रहे मगर हम आपको सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारी मजबूरी यह है कि अगर आपका बाल भी बाका हुआ तो हमारी नौकरी खतरे में आएगी तो आप जिद ना करें आप ले लीजिए तो हमने हाँ कर दिया कई बार लोगों को लगता है ये सारे काम आप एक गिमिक की तरह करते हैं पब्लिसिटी के लिए करते हैं हर रोज अखबार के फ्रंट पेज पर महेश भट्ट की खबर छपा तीस ही चाहिए। साल की जिंदगी जो है केवल कॉन्ट्रोवर्सीज पर नहीं चल सकती है पचास से ज्यादा फिल्में बनाई हैं जिसकी झलके लोगों के जहन में आज तक गूंज रही हैं कुछ तो किया होगा सिर्फ ब्लफ और ब्लस्टर पे तीस साल आप फिल्म इंडस्ट्री में काट नहीं सकते कुछ करना पड़ता है कुछ देना पड़ता है समाज जो है आपको चवन्नी नहीं देता है जब तक आप उससे रुपया नहीं दे लेकिन समाज आपको सब कुछ देता है जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते कंट्रोवर्सी से आप लोगों के जहन को थोड़े देर तक उस प्रोडक्ट की तरफ ले जा सकते हैं आखिरकार वो ढाई घंटे जो अंधेरे में होता है सिनेमा हॉल में वही है जो आपको कहीं इस यहां से वहां ले जाता है प्रोडक्ट की गोज जब तक दर्शक तक नहीं पहुंचती है वो भी दूसरे दर्शक के मुंह से आपकी दुकान नहीं चल सकती कॉन्ट्रोवर्सी करने से कुछ नहीं जनता से पूछते हैं उनके मन में इसको लेकर क्या सवाल है क्या है क्या आप लास्ट में आपने एक फिल्म बनाया था डैडी और आजकल के जो मूवी बनी मर्डर तो ये स्टैंडर्ड इतना डिक्रीज क्यों हुआ आप कहते हैं डिक्रीज हो गया बॉक्स ऑफिस कहता है इंक्रीज हो गया लेकिन आज आप बोलते हैं कि डैडी देखनी चाहिए मगर देखता तो दर्शक मर्डर ही है ये बाजार की हकीकत है कि जब डैडी बनी थी और जिसको हमने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज़ की थी तो वो सुपर फ्लॉप थी टेलीविजन पे चली थी लोगों ने उसकी तारीफ़ की उसको अवार्ड दिए देखने गए वो मर्डर जिसको लोग रोज़ जिसकी रोज़ बुराई करते हैं मगर टिकट खरीदते हैं टिकट के बाद डीवीडी भी खरीदते हैं और म्यूज़िक आज भी ख़रीदते हैं ये बाजार का सच है और हिंदुस्तान जो 1990 का हिंदुस्तान है और ट्वेंटी सेंचुरी का हिंदुस्तान बदल गया है दुनिया बदल गई है एम चैनल वी के आने के बाद में आपके घरों में बहुत परिवर्तन आया जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं जिस तरह हमारी बच्चियाँ कपड़े पहनते हैं ये रहने के जीने के तौर तरीके बदल गए हैं समाज ऐसे ही बदलता है उसको आप डिटोरिएशन समझते हैं मगर मेरे लिए वो बॉक्स ऑफिस के आधार पर और ब्रांड के आ, पोजीशन के आधार पर उसको मैं एक ग्रोथ समझता हूँ बट साहब आप समाज के बदलने की बात करें हमें लग रहा है आप भी बदल गए हैं आप अच्छी फिल्में बनाते थे सारांश जैसी लेकिन अब आप मर्डर और जहर बनाते हैं देखिए बात देखिए ये जो ताली मार रहे हैं <laughs> इनको जरा पूछिए अपने गिरबान में झाँक के देखो कि अगर चॉइस होगा जख्म देखने की और मर्डर देखने के तो कौन सी देखेंगे ये जाके देखेंगे मर्डर जख्म अगर देखने जाते तो जख्म सुपर फ्लॉप नहीं होती जख्म में साढ़े तीन करोड़ रुपए हमने अपने घर के लगाए हैं जो रिकवरी है सिर्फ साठ हज़ार रुपये का हमको एक नेशनल अवार्ड मिला है और वो जो सर्टिफिकेट मिला और दीवार पे लगा है वो जो मेडल मिला था वो काला हो गया वक्त के साथ में तो अब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं जो बिक जाए आप, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर कम और व्यापारी ज़्यादा हो गए मैं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मैं फिल्म व्यापार के लिए बनाता हूँ बॉक्स ऑफिस की कामयाबी के लिए बनाता हूँ बाकी वो प्यास वो तड़प समाज सेवा की जो है हम कभी राजस्थान पे फिल्म बनाते हैं कभी हम जाकर उड़ीसा के साइक्लोन पे फिल्म बनाते हैं कभी हम उलमाए हिंद के आ, के हिस्ट्री को क्रॉनिकल करते हैं आजकल आसाम पे फिल्म बना रहे हैं हमने ये बात समझ ली है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी लोग पब्लिक में बैठकर वाह वाह करते हैं मगर खरीदते नहीं जिस तरह क्लासिक क्लासिक की तारीफ लोग करते हैं मगर खरीदते हैं जेम्स हैडली चेस आप फिल्में बेचिए हमें उससे गुरेज नहीं हमें उससे परहेज नहीं आप फिल्में बेचने के लिए कुछ भी करिए लेकिन इतनी ज्यादा अश्लीलता भी मत दिखाइए जो हम बहन भाई और मां-बाप सब लोग बैठकर ना देख पाए तो आप इस इस सवाल का तो जवाब देना चाहिए आपके देखिए क्या है एक बात मैं बहुत सीधे आपसे कहना चाहता हूँ ये फिल्में जो मैं बनाता हूँ ये मैं हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड को दिखाकर उनसे सर्टिफिकेट लेकर सिनेमा हॉल में रिलीज करता हूँ ये एक बहुत ही लीगल प्रोसेस है फिर हम ऐसे सेंसर बोर्ड के प्रदर्शन शुरू कर देंगे जो ऐसी घटिया फिल्मों को अप्रूव करता है मुझे कोई शिकायत नहीं है आपकी फैन हूं लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है आपकी फिल्मों में बे इंतहा, अंग प्रदर्शन शायद और बहुत ज्यादा आपका नाम क्या है शबनम शबनम खान खान मैंने पचास से ज्यादा फिल्में बनाई शायद आप मर्डर का जिक्र कर रही हैं या जिस्म का सर मैं जख्म का जिक्र कर रही हूँ मैंने वो जो आप कह रहे थे जख्म किसी ने नहीं देखी नहीं हमने जख्म फिल्म भी देखी भार सिनेमा हॉल पे सर्टिफिकेट होता है ए ओनली फॉर एडल्ट आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि पिक्चर में क्या है आप मत देखिए इस मुल्क में जहाँ पर हर मंदिर पर सेक्शुअल पॉस्चर लिखे हुए हैं इस मुल्क में जहाँ वादसाह का जिक्र होता है ये होलियर दिन दाव एटीट्यूड लोगों को ऐसी महफिल में जलील करने के लिए होते हैं निजी जिंदगी में लोग क्या होते हैं वो खुद जानते हैं आपको इस किस्म का सिनेमा पसंद नहीं है आप ना देखें आपको इस किस्म का सिनेमा पसंद नहीं ना देखें मगर अगर इस हॉल में एक व्यक्ति भी है एक व्यक्ति एक व्यक्ति भी है जो देखना चाहता है आपको कोई अधिकार नहीं उस व्यक्ति को रोकने का कि ये बड़ी अश्लील फिल्म है आप मत देखिए मैं केवल उस एक व्यक्ति के लिए फिल्म बना रहा हूँ बाकी नाइनटी नाइन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ ये अधिकार मेरे पास है कि नहीं है बट साहब अगर इतनी बात है कि आप समझते हैं ये फिल्में अश्लील नहीं है तो आपने अपनी एक फिल्म का नाम ब्लू फिल्म रखा था और बाद में चेंज कर दिया अब जिसने कलयुग देखी है वो मुझसे आंख से आंख मिला के कहे कि उसमें अश्लीलता है उसमें बिल्कुल अश्लीलता नहीं थी क्योंकि इनफैक्ट अश्लीलता थी नीलो लिखी में जिसको आप पारिवारिक फिल्म बोलते हैं आपके परसेप्शन बन जाते हैं परसेप्शन बनाता है मीडिया आपके लिए आप इतने अंधे हो जाते हैं कि कलयुग जिसको हमने पहले ब्लू फिल्म बुलाया था हमने कहा था ब्लू फिल्म टाइटल होगा तो वो एक दर्शक होगा वो आएगा नहीं देखने उसे क्योंकि वो वो पोर्नोग्राफी के खिलाफ फिल्म थी उसमें एक सेंसर सर्टिफिकेट में एक कट नहीं है और वो फिल्म एक बहुत ही मिडिल क्लास स्वच्छ फिल्म थी मगर हमको लगा कि ब्लू फिल्म से रॉन्ग सिग्नल आंकते हैं इसलिए हमने वो टाइटल चेंज कर दिया जैसे ये ड्रेसेस मतलब पहनी है आजकल के ने छोटे बच्चे बड़े जल्दी ये सब कुछ कैच कर लेते हैं छोटी लड़कियाँ है। तो ऐसी ड्रेसेस पहनानी क्या ठीक होंगी कैसे जैसे ऐसी नहीं आपकी फिल्मों नहीं। में वो कह रहे हैं कि आपके फिल्में बहुत अच्छे हैं लेकिन हाँ। कपड़े ज़रा पूरे पहना दीजिए लड़कियों को अगर वो आप इंडियन स्टाइल में पहनाते तो क्या हमें वो अच्छी नहीं लगती हमारी कोशिश होती कि हम सलवार कमीज पहनाएं मगर हीरोइन हमको देखती है कि क्या हमको आउट करवाने में इंटरेस्टेड है क्या आप हमको भी वैसे कपड़े बनवाइए जैसे राखी सावंत पहनती है अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर जनता की तरफ से इल्जाम लगा रहे हैं और उनसे उनके काम के बारे में सफाई मांग रहे हैं अगला इल्जाम महेश भट्ट पर आपकी अदालत में प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट सेक्युलरिज्म के नाम पर दुकान चलाते हैं भट्ट साहब ये सही है कि आप एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि मुल्क में आपको मुसलमानों का मसीहा मान लिया जाए अगर ये सच है तो फ़र्ज को मान भी लेते हैं तो इसका फ़ायदा मुझे किस क्षेत्र में हो रहा है कौन सी गद्दी पर बैठकर मैं राज कर रहा हूँ यही तुम जानना चाहते हैं कि कौन सी गद्दी पर पहुँचना चाहते देखिए हर, हर 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 काम हर काम आदमी किसी मोटिव के लिए करता है मेरी ज़रूरत है कि मैं सेकुलरिज्म की बात करूं क्योंकि मेरा बचपन एक ना इंसाफ़ी से साथ जुड़ा हुआ है मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जहाँ पर मेरी वालदा जो हैं इस फंडामेंटलिज्म का शिकार हुई थी हम जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बात करते हैं हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और हमने ये ये जो ये जो सफरिंग जो है हमने किसी किताब में पढ़ के नहीं उसको रट र, रटी है हमने जिया है और जो हमने जिया है हम उसका ही जिक्र कर रहे हैं बट साहब बात तो आप हिंदुस्तान की करते हैं भारत की करते हैं लेकिन अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार आप पाकिस्तान में जाके करते हैं। पाकिस्तान भैया एक साउथ एशियन कंट्री है हमारे बड़े थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी वो तो कहते थे छः महीने में जा पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में आज भी मेरी वालदा रहती हैं जो मरने के बाद में मुझे एक माँ मिली है जो हमीद हरून जो दौड़ के सी हैं उनकी माँ हैं जिसने मुझे अपना बेटा माना है जब मुझ पर गोली चलती है तो वहाँ पर वो फ़ोन के वहाँ पर दुआ पड़ती मेरे लिए मैं उस ट्राइबलिज़म को सपोर्ट नहीं करता है करता हूँ जो ये कहता है कि जब तक आप पाकिस्तान को जाकर गाली ना दें जब तक आप पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात ना करें तब तक हम आपको एक पेट्रियाटिक इंडियन नहीं मांगे लेकिन भट्ट साहब हिंदुस्तान के कलाकार को पाकिस्तान में जाकर परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं है वो अपने कॉन्सर्ट नहीं कर सकते शोज नहीं कर सकते लेकिन तो क्या न... इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो एक जलील हरकत कर रहे हैं तो हम भी जलील हो जाए हम बड़े कब रहेंगे फिर अगर हम बड़े हैं तो हमको बड़ा होकर उन्हें हाथ पकड़ उस रास्ते पर लाना चाहिए जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि वो चले इसीलिए कभी आप शोएब अख्तर को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं कभी आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा को अपनी फिल्म में लाते हैं बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा है कि भैया के थ्रू दी परफॉर्मिंग आर्ट सिनेमा के द्वारा आप रिश्ते जोड़िए और मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे बड़े कहते हैं जो अटल जी ने कहा था कि भैया कि ये साउथ एशियन यूनियन कैसे होगा इसकी कल्पना तो हम करेंगे मगर जमीन पे हम उसको लिए करने कुछ करने के तैयार नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन सुबह आप उठेंगे तो सडनली एक साउथ एशियन यूनियन हो जाएगा ये इसके लिए काम करना होगा और काम ऐसे ही होते रिश्ते ऐसे ही जुड़ते जोड़ना आप काम कर रहे हैं या अपनी फिल्मों के लिए पाकिस्तान में मार्केट ढूंढ रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान में मार्केट है नहीं पाकिस्तान में अगर मार्केट है तो बड़े स्टाक की फिल्मों की है वो भी यहाँ के आवाम की तरफ बड़े स्टार कास्ट में इंटरेस्टेड है और वो दिल्ली बहुत दूर है पाकिस्तान बहुत ही कैलेबरेटेड वे में अपने दरवाज़े खोलेगा हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए मगर हाँ मेरे लिए पाकिस्तानी टैलेंट वहाँ से आ, आज के दिन में जो अवेलेबल है उससे यहाँ की आ, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है वहाँ का म्यूज़िक हमने लाया मर्डर देख लीजिए जहर देख लीजिए अभी हमारी जो गैंगस्टर देख लीजिए सारा जो टैलेंट हमने पाकिस्तान से लाया है उसके गाने बनाए हैं हमने और उस गाने को हमने री uh, इन्वेंट करके प्रेजेंट किया और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री एक फ्लरिशिंग बिजनेस इसलिए आप पाकिस्तान की आर्टिस्ट को यहाँ लाते हैं उनको मदद करते हैं स्टार बनाते हैं ताकि आपका जो सेकुलरिज्म का एजेंडा है उसको ताकत मिल सके नहीं दुकान भी चलती है और सेकुलरिज्म का एजेंडा है? गाली कब से हो गया ये मुझे समझ भी नहीं आता है कि गांधी के किरदार पे हमला करना देशभक्ति की निशानी कब से हो गई जो विरोधी हैं वो उसको सूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं एक शेर है साहब उसका मैं जवाब देता हूं शायद थोड़ा माहौल बदले कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा बस ये अंदाज ही हमारे पास हमारा अंदाज हम नहीं छोड़ने वाले आप हमें अपने घर के चौखट पे खड़ा करें ना खड़े ये आपकी मर्जी ये हमारा अंदाज़ है फिफ्टी सेवन ईयर्स हमने जी लिए हैं हम अपनी ही शर्तों पे ज़िंदगी जियेंगे हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए हम नाच गाना पिक्चरें बनाकर अपनी रोटी कमाते हैं मगर सेकुलरिज्म का नारा लगा कर हम कभी राज्यसभा कभी लोकसभा या किसी पॉलिटिकल पावर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे आप ये जनता के सामने लोगों को हाजिर अंदाजी जानकर कहते हैं कि आप इस सब का इस्तेमाल किसी सियासत की ज़िंदगी के लिए नहीं करेंगे इस दिन करूँगा मेरा तकला सर और आपका जूता <laughs> हमारा दिल दुखता है जब आप एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर होकर के भी एक माइनॉरिटी की बात करते हैं सिर्फ एक पक्ष चलते हैं माइनॉरिटी का दूसरा पक्ष देखते ही नहीं है जैसे कश्मीर में कश्मीरों के साथ जो बेचारे पंडित वहाँ के हैं उनके साथ क्या बुरी हालत हुई है उनकी बहनें बेटियाँ बहुएँ कितनी दुखी हुई हैं उस पक्ष को दूसरे पक्ष को देखा नहीं ऐसे ही पाकिस्तान में एक ही बंदा था उसको तोड़ताड़ के कर दिया ऐसे पक्ष को देखते नहीं हैं तो माइनॉरिटी में एक बख्श को देखते हैं आप ये ऐसा शीशा क्यों देखते हैं इस प्रकार का दुख लगता है आप जैसे महान व्यक्ति को की प्रयोग करते हुए देखिए आपने सवाल पूछ लिया हाँ जी। और आपने जजमेंट भी दे दी नहीं नहीं।, नहीं नहीं आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया नहीं आपने नहीं। नहीं। शुरू किया है आपके दिमाग में एक जजमेंट ऑलरेडी बैठी है आपको किसने कहा कि पनून कश्मीर के कॉज के लिए हमने आवाज नहीं उठाई है हम अकेले एक शख्स थे शुरू से जब से कश्मीरी पंडितों का इश्यू हुआ है तब तब से अब तक हम आवाज उठा रहे हैं आपको किसने कहा है कि पाकिस्तान में मंदिर जो तोड़ा जा रहा है उसको लेकर हमने अपने पाकिस्तान के जो हमारे मित्र हैं वहां के जो मीडिया के लोग हैं उनको पत्र नहीं लिखा उनको नहीं कहा कि उसके खिलाफ आवाज उठाओ ताकि हमको इस एम्बेसमेंट से बसें क्या हर बात हम जब करें तो क्या आपको प्रेस रिलीज के द्वारा समझाएं अगर हम ऐसा करेंगे तो ये आरोप लगाएंगे कि आप ये फिर पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं हम कुछ करते हैं तो ये बोलते हैं पब्लिसिटी करते हैं जब हम घर के नहीं बताते आप बोलते हैं आप करते नहीं तो क्या करें मर जाए क्या करें क्या जब मैं करता हूं तो ये कहते हैं पब्लिसिटी के लिए करते हैं और जब मैं छुपाता हूं तो आप बोलते हैं मैं करता नहीं तो क्या करें भाई जरा हमको बताओ कब तक हम खड़े होकर हर कदम पर जिंदगी की सफाई देते रहे जख्म बनाओ तो चलती नहीं बॉर्डर बनाओ तो ये जूता मारती हैं <laughs> करेंगे क्या आप बताइए आप बताइए मैं आवाब से पूछ रहा हूं जख्म देखने जाते नहीं हो मर्डर बनाते हो तो ऐसी पार्टियों में खड़े हो के जलील करते हो क्या करें क्या और कुछ करें तो ये कहते हैं कि भैया पब्लिसिटी पब्लिस करते हो बट साहब लगता है कि आप हर तरफ से मुसीबत में अरे इससे अच्छा है कि वो रवि पुजारी गोली मार दे तुम लोग पे आसमान था चलो तुम लोग ने भी साथ दिया हम अकेले चले थे अकेले चलेंगे आपकी एंडोर्समेंट नहीं मांगता आपकी अदालत में आज हमने महेश भट्ट से पूछा उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में हमने उनसे पूछा क्या वो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं हमने महेश भट्ट से पूछा उनके सूडो सेक्युलरिज्म के बारे में हमने महेश भट्ट से पूछा उनकी उस फितरत के बारे में जो उन्हें हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रखती है आपकी अदालत में अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज जावेद नकवी के फैसले का महेश भट्ट साहब एक अच्छे फिल्म मेकर हैं कामयाब फिल्म मेकर हैं दो अशार में मेरे ख्याल से आपकी बात तय हो जाती है एक तरफ आपने ये कहा कि मुहर्रम के मातम की गूंज आपके जहन में बसी हुई है और दूसरी तरफ गणपति के मंदिर के मोदक का स्वाद आपके मुंह में है लिहाजा जो यहाँ पे देखने को मिला उससे ये शेर तो बिल्कुल सादिक उतरता है कि जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं मेरा ख़्याल से ये आपके लिए लेकिन एक हिदायत भी दूंगा साथ में ये अदालत चाहेगी कि आप इस हिदायत को ग़ौर से देखें कि आपने ये तो कह दिया कि आपका अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन अंडरवर्ल्ड के वकीलों से कुछ रिस्बत ज़रूर है ये साबित होती है बात यहाँ पे, जब आपने कहा कि माजिद मेनन से आप मेमन से आपकी दोस्ती है तो उस पर भी अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए तो अदालत आपको ये हिदायत देती है कि ऐसे वैसे वकीलों से भी ज़रा दूर रहें वो मुमकिन नहीं है वो मेरा दोस्त है और जब तक उसको आप प्रूव नहीं करें कि उसके कनेक्शन है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि महेश साहब जिस दिन मेरे कोई भी कनेक्शन नज़र आए तो मुझे आप अपने हाथों से फांसी भी चढ़ा देना मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन <laughs> इस उम्मीद के साथ इस यकीन के साथ कि महेश भट्ट बेहतर फिल्में बनाते रहेंगे लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे लेकिन साथ साथ अंडरवर्ल्ड के ख़िलाफ़ ये जो लड़ाई है सेक्युलरिज्म के लिए जो लड़ाई है उसको भी लड़ते रहेंगे और देश की जनता उनका साथ देगी और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है कितना दूध है कितना पानी है इसका फ़ैसला हम आप पर यानी जनता पर छोड़ते हैं अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ एक नया मुकदमा लेकर तब तक के लिए नमस्कार